Hello everyone, welcome to the PCM channel. Myself Samrat Singh. Today we are going to learn about the soil chapter 9 of NCERT books. So now first of all we are looking about what is soil. Here it is given that soil is one of the most important natural resources. Soil क्या है हमारा जो natural resources का बहुत ही एक important things है. जो हमारा natural resources क्या होता है जो चीज़ हमें nature से मिलता है वो हमें natural resources उसको कहते हैं. इट प्रोवाइड एन एंकर टू द प्लांट्स एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. ये हमारा क्या होता है प्लांट्स का एक सपोर्ट देता है, मतलब अपने पेड़ को ये क्या करता है कैप्चर करके रखता है, पेड़ को कैप्चर करके रखता है जिसके वजह से वो मजबूती से खड़ा रहता है और वो प्लांट्स को वाटर और न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है. इट इज़ द होम ऑफ मेनी ऑर्गेनिम्स. वो क्या है बहुत सारे ऑर्गेनिम्स का ये घर एक है. सॉइल इज़ द एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. सॉइल क्या है एग्रीकल्चर, मतलब जो हम खेती करते हैं उसके लिए सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि बिना सॉइल के हम कहाँ खेती करेंगे. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड्स क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल. एग्रीकल्चर क्या करता है हमको फूड देता है, क्लॉथिंग देता है और शेल्टर देता है. मतलब कि जैसे कि हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं या जो हम लोग शेल्टर जहाँ पर रहते हैं या जो खाना खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल. सो सॉइल इज़ दस एन इंस्पेरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हमारे लाइफ का वो इम्प्रेसिबल पार्ट हो गया, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है सॉइल. द अर्लीस्ट फ्रेगनेंसी ऑफ द सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग. अब इसमें बताया गया है जो हमें बारिश होता है, जैसे आप देखते हैं कभी कभी बारिश के मौसम में या बिना मौसम का भी बारिश हो जाता है, तो जो फर्स्ट हमारा बारिश ख़त्म होने के बाद जो हमें एक फ्रेगनेंस मतलब एक खुशबू जो आती है वो धरती के जो खुशबू निकलती है वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है. हमारा जो यहाँ पे टॉपिक्स है उसके बाद सॉइल टीमिंग विथ लाइफ. अब हमारा जो है सॉइल टीमिंग विथ लाइफ. वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन. अब इसमें बताया गया वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन फैली एंड द भोजो ऑब्जर्व द अर्थवर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल. हमारा जो एक दिन ऐसा होता है रेनी सीजन में पहली और जो भोजो होते हैं जो अर्थवर्म मतलब केचुआ जो होता है वो देखते हैं कि कहाँ से निकलता है, सॉइल पर से वो निकलता है. पहली वॉन्डर वेदर देयर वेयर अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इन द सॉइल. तो वो उसके बाद सोचने लगती है कि क्या उस सॉइल्स में कोई अदर भी ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है, उसी के बारे में लेट्स अस फाइंड आउट. अब हम उसको देखेंगे कि वो है कि नहीं है एक्टिविटीज़ के थ्रू. यहाँ देखिए एक्टिविटी 9.1 हमारा शो किया गया है. तो इसमें आपका बताया गया है कलेक्ट सम सैम्पल्स. सॉइल सैंपल को आपको कलेक्ट करना है, ऑब्जर्व देम केयरफुली. मतलब जो अलग अलग कुछ 2-3 प्रकार के सैंपल्स को कलेक्ट कीजिए सॉइल्स के और उसको ध्यान से देखिए. यू कैन यूज़ ए हैंड लेंस. जो हम अपने हाथों का जो लेंस होता है जो हम लोग हाथ में यूज़ करते हैं, क्योंकि सॉइल्स में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमारे नेकेड आइट से मतलब खाली आँखों से नहीं देख पाएगा, इसलिए जो लेंस होता है जो हाथ में लेंस यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए इसमें बताया गया है. एग्जामिन ई सैम्पल केयरफुली एंड फिल इन द टेबल 9.1. हमें क्या बताया गया जो 9.1 टेबल को फिल करना है. जैसे यहाँ पे देखिए 9.1 टेबल दिया है और आप उसको अच्छे से देखिए और इसको फिल कीजिए. जैसे फॉर गार्डन सॉइल आपने एक सॉइल जो सॉइल सोर्स कहाँ से लिए 2-3 सोर्स यहाँ पे बताया गया है. अपने सॉइल्स गार्डन सॉइल से लिया, सॉइल फ्रॉम द रोड साइड से अपने सॉइल इकट्ठा, ठीक है. सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन. जो एरिया हमारा जहाँ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन मतलब जो चीज़ वहाँ पे बनाया जाता है या बनना स्टार्ट होता है उस एरिया को कंस्ट्रक्शन एरिया कहा जाता है. तो उस एरिया से सॉइल कलेक्ट करके हमने लिया. अब उसमें हमको देखना है कौन कौन से प्लांट्स हैं जो हमने लिया है, उसमें कौन से प्लांट्स हैं, ग्रास हैं, बाकी आप जो ऑब्जर्व करेंगे उसको यहाँ पे आपको फिल करना है. कौन कौन से एनिमल्स हैं उसको यहाँ पे फिल करना है कि हमें कौन कौन सा मिला. और अगर आपको कोई भी अदर ऑब्जर्वेशन उसमें कोई ऐसा नया चीज़ देखने को मिला है तो वो भी आप इसमें ऑब्जर्वेशन में डाल सकते हैं. तो वो आप 9.1 के टेबल में आप भर दीजिएगा. रिटन पॉइंट के हिसाब से यहाँ बताया गया डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड. आपको अपने फ्रेंड्स के साथ उसको उस चीज़ को जो आपने देखा है उस चीज़ को आपको उसके साथ डिस्कस करना है. दूसरा हमारा क्या है आर द सॉइल सैंपल कलेक्टेड बाय योर 4 फ्रेंड्स सिमिलर टू वंस कलेक्टेड बाय यू. जैसे कि जो आपके दोस्तों के थ्रू भी जो कलेक्ट हुआ है क्या वो आपका भी सेम है कि आपका अलग दोस्तों का अलग अलग है, ठीक है. अब यहाँ भूजो एंड द पहली जो भूजो और पहली है हैव यूज्ड सॉइल इन मेनी वेज. जो भूजो और पहली और सॉइल को बहुत अलग अलग तरीक़े से यूज़ किया गया है. दे एन्जॉय प्लेइंग विथ इट. वो उसके साथ खेलने में उसको उन दोनों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था. इट इज़ ए ग्रेट फन इंडीड. और वो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट टाइप्स का था इसीलिए वो उनको बहुत मज़ा आ रहा था. मेक ए लिस्ट ऑफ द यूज़ ऑफ द सॉइल. और आपको उसके बाद लिस्ट बनाना है कि सॉइल का क्या क्या यूज़ हो सकता है, ठीक है। उसके हिसाब से उन्होंने कुछ ऐसे बात किया पॉलीथीन बैग्स, यहाँ पे आपको कुछ बातें देखिए कार्टून्स बना के आपको यहाँ शो किया गया। आई वंडर वाई आई फाउंड सम ऑफ द पीसेस ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स एंड पॉलीथीन बैग्स इन द सॉइल सैंपल कलेक्ट फ्रॉम द रोड साइड एंड द गार्डन। उन्होंने जो कलेक्ट किया था उसमें उसको प्लास्टिक्स भी मिला सॉइल जो गार्डन से लिया और कंस्ट्रक्शन साइट से, तो वो सारे चीज़ उन्होंने डिस्कस किया कि उनको क्या क्या चीज़ मिला है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ जाता है वो आता है सॉइल प्रोफाइल। अब हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में इसमें पढ़ेंगे। सॉइल इज ए कंपोज ऑफ ए डिस्टिंक्ट लेयर। जो हमारा सॉइल है देखिए बहुत अलग अलग लेयर से वो बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये डायग्राम में आपको उस हिसाब से शो कर दिया गया है। पहला जो सबसे टॉप मोस्ट होगा, एक शॉर्ट व्यू दे देता हूँ उसके बारे में, जो टॉप मोस्ट होगा वो आपका क्या है, ह्यूमस है, ह्यूमस है। उसके बाद जो सेकेंड लेयर आपका होगा वो देखिए वाटर होता है, जो थर्ड लेयर होता है वो क्ले होता है, फोर्थ लेयर सैंड होता है और जो लास्ट लेवल होता है वो ग्रेवल्स होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आपको यहाँ पे स्टडी करेंगे। सॉइल इज़ कंपोज ऑफ ए डिस्टिंक्ट लेयर, अलग अलग लेयर से मिलके वो बना होता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ टू फाइंड आउट हाउ दिस लेयर्स आर अरेंज। अब वो एक्टिविटीज़ हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है जिसके वजह से हमें पता चलेगा कैसे कैसे वो अरेंज हुआ है। देखिए एक्टिविटी 9.2 में हमें शो किया गया है। टेक ए लिटिल सॉइल, आपको एक थोड़ा सा सॉइल आपको लेना है। ब्रेक द क्लम्प विथ योर हैंड टू पाउडर इट। अगर मान लीजिए उसमें थोड़ा बहुत बड़े बड़े जैसे आप लोग देखते हैं पत्थर टाइप में गोल गोल टाइप में बन जाता है, उस चीज़ को आपको हाथ में लेके और उसको फोड़ देना है और उसको पाउडर बना देना। नाउ टेक ए ग्लास टम्बल 3/4 फिल्ड विथ वाटर। देखिए अब आपको एक ग्लास लेना है और उसको 3 हिस्सा मतलब 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा उसका पानी होना चाहिए और 1 हिस्सा खाली होना चाहिए। और फिर उसमें क्या करना है, एंड देन ऐड ए हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट। अब उसमें एक मुट्ठी भर उसमें सॉइल आपको भर देना है। ना स्ट्रिंग इट विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिक टू डिजॉल्व द सॉइल। अब उसको स्ट्रिंग मतलब उसको आप किसी भी एक लकड़ी से या कोई भी एक पतला सा कुछ ले लीजिए और उसको उसमें मिला दीजिए और ऐसा स्ट्रिंग कीजिए मतलब हिला के मिला दीजिए जैसे कि वो पूरा सॉइल उसमें डिजॉल्व हो जाए। नाउ लेट अस स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम्स। और उसके बाद कुछ समय के लिए उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए मतलब उसको कोई भी डिस्टर्बेंस या कोई भी उसमें मोमेंट ना हो। आफ्टरवर्ड ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और बाकी उसके बाद जो आप उसके बाद उसमें जो नोटिस करेंगे उस चीज़ को आप उसमें देखिए और उसका आंसर्स जो नीचे क्वेश्चंस पूछा गया जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चंस पूछा गया उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है। फॉर एग्जांपल हम देखिए यहाँ पे इसमें पूछा है डू यू सी ए लेयर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बल। क्या आपने उस पार्टिकल्स में अलग अलग साइज़ देखा है? तो आप देख ही सकते हैं कि इसमें अलग अलग डिफरेंट साइज जैसे जो सबसे बड़ा है वो आपका चला गया है नीचे, जो ग्रेवल्स आपका ये देखिए जो सबसे बड़ा है वो नीचे बैठ गया, उसके ऊपर फिर एस पर उसका पोजीशन जो सबसे हल्का है वो देखिए सबसे ऊपर फ्लोट कर रहा है और उसी को ह्यूमस कहते हैं। अभी मैं थोड़ा बहुत ह्यूमस के बारे में बताऊंगा ह्यूमस क्या होता है। देखिए यहाँ पे उसके बाद नीचे आपका दिखा बता ही दिया है द रोटिंग डेड मैटर्स इन द सॉइल इज कॉल्ड द ह्यूमस। जो हमारा डेड रोटिंग मतलब सड़ा हुआ या मरा हुआ जो पत्ते जैसे आपको पत्ते झड़ जाते हैं या कीड़े मकोड़े जो मर जाते हैं उसको वहाँ पर सड़ जाता है तो उसी चीज़ से ह्यूमस हमारा बनता है ना। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, यू प्रोबेबली नाउ नो दैट द सॉइल इज़ फॉर्म बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड वाटर एंड क्लाइमेट। अब तो आपको थोड़ा बहुत पता ही चल गया होगा जो हमारा सॉइल है वो किस हिसाब से बना है, वो कैसे बना है। ब्रेक डाउन द रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वो जो पत्थर होते हैं वो विंड के एक्शन से टूट के या उनके क्लाइमेट से वेट वाटर से, क्योंकि वो जो पत्थर होते हैं कंटिन्यू हर एक सीज़न में बाहर ही रहते हैं तो उस पर सभी क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ता है और हवा चलता है पानी भी गिरता है तो सारा चीज़ पे इफेक्ट होकर वो धीरे धीरे वो टूटता है और यही प्रोसेस होते होते उसको पत्थर को सॉइल में बदल जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द वेदरिंग और इसी पूरे प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रो इन इट। अब जो हमारा सॉइल है वो किस हिसाब से मतलब किसी चीज़ के ऊपर तो डिपेंड होता है। मान लीजिए कोई चीज़ हम लेते हैं या कोई चीज़ के बारे में हम जानकारी करते हैं तो वो चीज़ किसी न किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। तो जो वो सॉइल बना है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, जिस पत्थर से वो बना है मतलब जिस पत्थर से वो सॉइल बना है उस पत्थर पे वो डिपेंड होता है और जो उसमें वेजिटेशन होता है मतलब वेजिटेशन मतलब उसमें जो खेती होता है और उसमें जो ग्रो होता है उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। a vertical section through different layers of the soil is called the soil profile। अब देखिए इसमें थोड़ा soil profile के बारे में बताया। vertical मतलब हमारा क्या होता है, जैसे ये देखिए छोटा सा मैं यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से बता, इस चीज़ को कहते हैं vertical। ठीक है, जो मान लीजिए ये अर्थ है आपका, ये जो नीचे वाला बेस है ये आपका अर्थ है और इसके परपेंडिकुलर ये खड़ा है, तो इस चीज़ को ये वर्टिकल हो गया। तब उसके हिसाब से देखिए जोन डिवाइडेड किया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसी को आप हम यहाँ पे जो यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल है इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सॉइल प्रोफाइल इसी को कहते हैं। अगर सॉइल प्रोफाइल के बारे में बताया जाएगा तो फर्स्ट जोन को हम ए होरिजन कहते हैं, सेकेंड को बी होरिजन, सी होरिजन एंड बेडरॉक। इसका ये चीज़ जो है इसके बारे में भी थोड़ा सा भी नीचे आपका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। जैसे कि इसमें बताया गया ईच लेयर डिफर इन द फील, जो हर एक लेयर जो यहाँ पे होता है ये आप अगर टच करेंगे महसूस करेंगे तो आपको ऐसे ही महसूस होगा कि ये सभी का लेयर अलग अलग इसमें इस स्ट्रक्चर में होगा। कलर भी डिफरेंट होगा, डेप्थ एंड द केमिकल कंपोजिशन भी डिफरेंट होगा। दिस लेयर्स आर रिफर्ड टू एज ए होरिजिन्स, और ये पूरे चीज़ को हम एक बार में क्या कह सकते हैं, होरिजिन्स कह सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक? चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं वी यूजली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल नॉट द लेयर बिलो इट। अब अक्सर हम क्या करते हैं, जैसे ही हम कहीं भी जाते हैं, स्कूल्स के लिए जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, खेलने जाते हैं, तो हमको सबसे पहले जो चीज़ होता है वो हमें क्या दिखता है, टॉप लेयर ही दिखता है। हमें सबसे ऊपरी सतह ही हमें देखने को मिलता है। अब इतना तो हमारे आँखें में पावर है नहीं कि वो किसी को भी ट्रांसफ़र करके अंदर जाके देखे, है ना, और ट्रांसपेरेंसी तो आप लेयर होता नहीं है कि उसको डायरेक्टली दिख जाएगा। इसीलिए हमको सबसे टॉप मोस्ट एरिया हमको देखने को मिलता है। इफ़ वी लुक एट द साइड ऑफ द रिसेंटली डग डिच वी कैन सी द इनर लेयर ऑफ द सॉइल टू। अगर जैसे मान लीजिए आपके घर के अगल बगल में किसी का गड्ढा खोना जा रहा है, या जैसे आप वेल बनाते हैं कुएँ बनाने के लिए होता है, अगर वो खोन के रखा गया है, गड्ढे खोन के रखे गए हैं, तो आप उसमें दूसरा लेयर तीसरा लेयर भी आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसके आगे क्या बताया, सच ए व्यू इनेबल अस टू ऑब्जर्व द सॉइल प्रोफाइल एट द प्लेस। सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन वाइल डगिंग ए वेल और लेइंग ए फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि अब सॉइल प्रोफाइल को हम कैसे देख सकते हैं कि अलग अलग, क्योंकि सबसे ऊपरी सतह को तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं बिना कुछ किए, क्योंकि वो नॉर्मल हम उसी पे खेलते हैं, उसी पे रहते हैं, उसी पे चलते हैं। लेकिन जो उसके नीचे वाला लेयर्स होता है उसको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर वो देखना है हमें तो उसके लिए हमें या तो किसी जगह कंस्ट्रक्शन जगह पे जाके देखना होगा, या तो कहीं वेल या कुआं किसी चीज़ के लिए अगर डक किया गया है तो उस चीज़ को वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके आगे क्या है, इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड्स ऑफ द रोड और ए हिल और एट ए स्टेप रिवर बैंक। अब हम इसको किसी भी रोड्स के साइड में, जैसे आप पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो जब पहाड़ के हिसाब से, जैसे कि आप देखिए ये पहाड़ ऐसे रोड बना रहता है, तो इस साइड में जो हमारा इस साइड में ये जो होता है ये सारा जो कलर पोर्शन है ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे रोड होता है हमारा साइड से, जैसे कवर अप रोड है, ऐसे रोड आपका बना होता है, तो जो हमारे साइड पोर्शन होता है इस चीज़ के हम लेयर ऑफ लेयर देख सकते हैं। इसमें पूरा ये जितना है इसमें पूरा हम लेयर देख सकते हैं कि कौन कौन सा लेयर इसमें है, वही चीज़ इसमें एक्सप्लेन किया गया आपको। उसके बाद देखिए द अपर मोस्ट होरिजिन इज जनरली डार्क इन कलर एंड रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल। जो हमारा ऊपरी सतह होता है वो डार्क इन कलर होता है, क्योंकि किस लिए होता है, क्योंकि मिनरल्स और ह्यूमस में रिच रहता है। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट। अब ह्यूमस क्या करता है, ह्यूमस का मेन काम क्या होता है, वो सॉइल को फर्टाइल करता है, मतलब उपजाऊ बनाता है और जो हमारे पेड़ पौधे को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। और ये जो लेयर होता है ये सॉफ्ट होता है और इसमें पोरस मतलब छेदे छेदे टाइप्स में होते हैं, जिसमें से आप पानी पोर करेंगे तो इंटरनली वो चला जाएगा और बहुत देर तक वाटर रिटेन कर सकता है, मतलब कलेक्ट कर सकता है। और इट इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल और ये होरिजिन। और इसी को मतलब जो हमारा जो सबसे टॉप मोस्ट वाला होगा इसी को हम टॉप सॉइल के नाम से जाना जाता है, और या तो इसको ए होरिजिन के नाम से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसका हमारा क्या आ जाता है, दिस प्रोवाइड्स ए शेल्टर फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म रोडेंट्स मोल्स एंड बीट्स। और ये बहुत सारा ऑर्गेनिज्म को, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को ये घर भी देता है। जैसे आप कभी भी देखेंगे खेती में जाते हैं करने के लिए, तो उसमें आप अगर साइड में खुरपी से या फावड़े से अपने यूज़ करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं अर्थवाम या कुछ चींटे मकोड़े आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो वो सारे चीज़ इस ऊपरी लेयर पे, ए जोन लेयर पे वो रहते हैं। फिर द रूट ऑफ द स्मॉल प्लांट्स आर इम्बेड इंटरली इनटू द टॉप सॉइल। देखिए इसमें जो रूट्स होता है जो आपको बारे में बताइए, देखिए स्मॉल स्मॉल रूट्स हैं जो वो टॉप लेयर पे ही से वो इसमें पेनिट्रेट हैं जो यूज़ करते हैं, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया। अब क्या बताया, द नेक्स्ट लेयर हैज़ ए लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। अब बताया गया जो नेक्स्ट लेयर हमारा होता है जो बी जोन होते हैं, जो नेक्स्ट लेयर हमारा क्या है बी जोन है, उसमें हमारा क्या होता है लेस हमारा लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस कम होता है उसमें, लेकिन उसमें क्या करते हैं मिनरल्स जो बट मोर ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स उसमें ज़्यादा होते हैं। दिस लेयर इज जनरली हार्ड एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड द बी जोन, बी होरिजन्स और द मिडिल लेयर। और ये हार्ड होता है क्योंकि ऊपर वाला सॉफ्ट होता है, इसमें पानी वानी जाता है तो आप इसको सॉफ्ट बनाए रखते हैं, लेकिन उसके नीचे वाला थोड़ा उससे हार्ड होता है, तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें हार्ड है। तो द नेक्स्ट लेयर हैज़ ए लेजर अमाउंट ऑफ द ह्यूमस बट मोर इन मिनरल्स, मिनरल्स इसमें ज़्यादा होता है, और इस लेयर्स को हम क्या कहते हैं बी होरिजन्स कहते हैं, या मिडिल लेयर भी इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, द थर्ड लेयर इज़ द सी जोन विच इज़ मेड ऑफ ए स्मॉल लम्स ऑफ रॉक्स विच आर क्रैक्स एंड। इसमें देखिए हमारा जो सी लेयर्स होता है इसमें देखिए ये इसी को कहते हैं सी लेयर्स, और इसमें देखिए छोटे छोटे जो आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, इसमें छोटे छोटे पत्थर्स के जो टुकड़े होते हैं इसी लेयर्स में हमें देखने को मिलता है, और इसी को हम सी जोन्स कहते हैं। और ये किस प्रकार के होते हैं, स्मॉल लम्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड क्रीविस बिलो, इसके अंदर छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े यहाँ पे रहते हैं। और उसके बाद जो लास्ट लेयर हमारा होता है, दिस लेयर इज़ द बेडरॉक विच इज़ हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विथ द स्पेड। जो हमारा लास्ट लेयर होता है वो देखिए वो क्या होता है, वो बहुत सारे पत्थरों से बना होता है और इसीलिए बहुत हार्ड होता है, और इसको हम डग नहीं कर सकते हैं स्पेड से, स्पेड मतलब फावड़े से आप इसको इसकी खुदाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो सॉइल टाइप है, सॉइल किस प्रकार का होता है वो सारा चीज़ इस टॉपिक्स में आपको बताया जाएगा। एज यू नो वेदरिंग ऑफ द रॉक्स प्रोड्यूस ए स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल। जैसे आपको पता है कि जैसे वेदरिंग ऑफ द रॉक्स मतलब कि हमारा जो धूप है, बारिश होता है, ठंड पड़ती है, तो वो सारा चीज़ क्या होता है वेदरिंग ऑफ द रॉक्स, उसमें स्मॉल पार्टिकल्स वेरियस मटेरियल्स को प्रोड्यूस करता है। दिस इंक्लूड सैंड एंड क्ले, और ये क्या होता है सैंड और क्ले का इंक्लूड्स होता है, मिक्सचर होता है। द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ द सैंड एंड द क्ले डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स। में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो सॉइल किसके ऊपर डिपेंड होता है, रॉक्स के ऊपर डिपेंड होता है, किस रॉक्स और सैंड से वो बना हुआ है। द मिक्सचर ऑफ रॉक्स पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इट इज़ कॉल्ड द सॉइल। सॉइल का एग्जैक्ट डिफिनेशन थोड़ा यहाँ पे दे दिया है, द मिक्सचर्स ऑफ द रॉक्स पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज द बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवर्म आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सॉइल्स। जो हमारा अर्थवर्म होता है, बैक्टीरिया होता है, वो हमारा सॉइल्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब उसके आगे द सॉइल इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द पोर्शंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। अब जो हमारा सॉइल है वो अलग अलग पोर्शंस और अलग अलग पार्टिकल्स के हिसाब से वो डिफाइन किया गया है। इफ़ सॉइल कंटेन ग्रेटर पोर्शंस ऑफ बिग पार्टिकल, अगर सॉइल जो बड़े बड़े पत्थर में ज़्यादा होता है तो उस चीज़ को ग्रेटर पोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल, बड़े पार्टिकल्स को कंटेन करता है, तो उस सॉइल को हम क्या कहते हैं सैंडी सॉइल कहते हैं। इफ़ द पोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल्स रिलेटिवली हाई, अगर जो फाइन पार्टिकल छोटे पार्टिकल्स उसमें ज़्यादा हैं तो उस सॉइल्स को हम क्या कह सकते हैं क्लेई सॉइल कहते हैं। इफ़ द अमाउंट ऑफ द लार्जर एंड द फाइन पार्टिकल्स इज़ अबाउट द सेम देन द सॉइल इज का लोमी, अगर दोनों मिक्सचर सेम है मतलब 50-50 हैं, ऑलमोस्ट ऑन एंड अराउंड 50-50 हैं, तो उसको हम कौन सा कहते हैं, उसको हम लोमी सॉइल के नाम से जानते हैं। दस द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, क्ले एंड लोमी। थ्री लेयर सेंड्स में वो डिफाइन किया गया, सैंडी है, क्ले और लोमी सॉइल्स। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन द सॉइल हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टी। अब जो हमारा साइज है वो पार्टिकल्स वो क्या करता है प्रॉपर्टी पे भी इंक्लूड करते हैं। आप अब ऐसे भी आप देख सकते हैं जैसे हमारे घर में फॉर एग्जांपल टीवी होते हैं, छोटा टीवी होता है तो उसमें हमको छोटे चीज़ें दिखती हैं, वो एचडी में नहीं होते, थोड़ा बड़ा उससे लेंगे, एलईडी टाइप में लेंगे तो उसमें आपको हर एक चीज़ क्लियर और एचडी फॉर्म में देखने को, तो मज़ा उसी में आता है जो बहुत क्लियर और बहुत एचडी हो, ठीक है। उसी हिसाब से इसमें भी प्रॉपर्टीज़ उसका डिफरेंट कर देता है, प्रॉपर्टीज़ का मतलब उसका जो फीचर्स होते हैं वो अलग कर देते हैं। अब देखिए सैंड्स पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्जर, ठीक है, दे कैन नॉट फिट क्लोजर टुगेदर। जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं जो जिसमें बड़े होते हैं वो फिट नहीं हो सकते हैं एक साथ, जैसे गैपिंग उसके बीच में, जब वो क्लोज पैक्ड होते हैं तो उसके बीच में वो गैप्स हो जाते हैं। सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, उनके बीच में बहुत सारे गैप्स हो जाते हैं। दिस स्पेस आर फिल्ड विथ एयर, वो किससे भरे होते हैं, हवा से भरे होते हैं। वी से दैट द सैंड इज़ वेल एरिटेटेड, जो हमारा क्या है वो सैंड बहुत ज़्यादा उसमें गैप है, उसमें हवा बहुत अच्छे से भरा हुआ हो। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल, जो पानी अगर ऊपर से पानी डालेंगे और बीच में गैप्स रहेगा तो उसमें पानी बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ही पानी वहाँ से नीचे आ जाएगा। सैंड सॉइल टेंड्स टू बी लाइट, जो सैंड सॉइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। वेयर अट्रैक्टेड एंड रेडर ड्राई और अरेटेड एंड रेडर ड्राई होते हैं, वो क्या होते हैं, रेडर ड्राई मतलब सूखे हुए होते हैं। क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर पैक्स टाइटली टुगेदर, जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं और वो टुगेदर बहुत मतलब आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए वो बहुत कम स्पेस उनके बीच में होता है और जो एयर होता है उनके बीच में बहुत कम होता है। अनलाइकली सैंड सॉइल, वाटर कैन बी हेल्ड इन द टिनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द क्ले, सो क्ले सॉइल हैज़ ए लेसर एयर। जब जाहिर सी बात है जब हमारे किसी भी सब्सटेंस के बीच में अगर गैपिंग कम होगा तो उसमें एयर्स कम भरेंगे और उसमें कोई भी चीज़ का पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है। दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन ए सैंडी सॉइल, और वो कोई भी चीज़ जैसे मान लीजिए आप सूखा कपड़ा पहने तो वो हल्का होता है, अगर उसी को भिगा हुआ कपड़ा हो तो आप अब उसको उठाएंगे तो वो हैवी हो जाएगा। उसी प्रकार से ये है सैंडी जो सॉइल होता है, जो क्लेई सॉइल होते हैं वो सैंडी सॉइल से मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल, वो सैंडी सॉइल से ज़्यादा पानी इकट्ठा करता है, कलेक्ट कर सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है, इसके वजह से वो उससे भारी होता है। द बेस्ट ऑफ सॉइल फॉर द ग्रोइंग प्लांट इज़ लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या होता है, ए मिक्सचर ऑफ सैंड होता है, क्ले एंड अनदर टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स नॉन एज स्लिट्स। ये एक मिक्सचर होता है सैंड और क्ले का, और उसमें स्लिट्स मतलब स्लिट्स ओकर ए डिपोजिट इन द रिवर बैंक, जो बहुत सारे रिवर बैंक मतलब नदी के तट पे, समुद्र के तट पे जो बहुत जगहों से बहता हुआ जो हमारा फिक्चर्स आ जाते हैं मतलब मिक्सचर्स ऑफ सैंड आ जाते हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग हमारा न्यूट्रिएंट्स उसमें बहते हुए आते हैं और एक जगह लाके नदी के तट पे वो जम जाते हैं, तो उसी को स्लिट्स कहते हैं। तो स्लिट्स ओकर्स एज ए डिपोजिट इन द रिवर बेड, रिवर बेड्स पे आपको मिल जाएगा। द साइज ऑफ द स्लिट्स पार्टिकल इज बिटवीन दोस ऑफ द सैंड एंड क्ले, सैंड और क्ले के बीच के साइज में होता है, मतलब ना तो ज़्यादा बड़ा होता ना ही ज़्यादा छोटा होता। द लोमी सॉइल ऑल्सो एज ए ह्यूमस इन इट, जो लोमी सॉइल होता है उसमें भी ह्यूमस, क्योंकि वो अलग अलग जगह के पत्ते इकट्ठे, जहाँ पे सड़े गले पत्ते होते हैं उनका न्यूट्रिएंट्स और सारा चीज़ वो इकट्ठा करते हुए अपने साथ ले आता है। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, उसके पास जो कैपेसिटी होता है पानी को इकट्ठा करने का वो चीज़ उसके पास बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ तक आपको सारे कुछ समझ में आया। देखिए इसमें मेन जो टॉपिक है आपको पढ़ना, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सॉइल्स क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ना, व्हाट इज़ ए सॉइल, ठीक है। और उसके बाद हमारा कुछ एक्टिविटीज़ के हिसाब से हम वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सा एक्टिविटीज़ हमने किया है, वो चीज़ 9.1 में आप कई सारा इकट्ठा किए थे और उसको उस टेबल्स में आपको फिल करना है। अब मान लीजिए हमारा लेयर ऑफ सॉइल का, ये बहुत इंपॉर्टेंस है एग्ज़ाम्स के लिए, बहुत सारे पूछ देते हैं कि हाउ इज़ लेयर ऑफ सॉइल इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसमें आप हम इस एक्टिविटीज़ के थ्रू आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है सॉइल प्रोफाइल, ठीक है, तो आप ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद ओवरव्यू, इसमें क्या है, सॉइल टाइप्स, हमारा जो सॉइल्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स में ये आपका डिवाइड किया गया है, जो मैं आपको बताया था यहाँ पे सैंड, क्ले एंड लोमी सॉइल, और उसके बारे में कौन सा गुड होता है, फर्टाइल्स होता है और कौन सा पेड़ों के लिए अच्छा होता है, लोमी सॉइल सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, वो सारा चीज़ इसमें डिटेल आपको बताया गया है। होप आपको मेरी जो एक्सप्लेनेशन है आपको समझ में आए और अच्छा लगा, और आगे का जो हमारा टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में मिलके आपको एक्सप्लेन करते हैं। मेरी क्लास आज की यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।